ह्यूगो फिल्म 2011 का एक स्टीम पंक एडवेंचर ड्रामा है। स्टीम पंक का मतलब है रेट्रो फ्यूचरिस्टिक। इस फिल्म को मार्टिन स्कॉर्सेसे ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ब्रायन सेल्चनिक की बुक द इन्वेंशन ऑफ ह्यूगो कैबरेट पर आधारित है। ह्यूगो को 11 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल है। इस फिल्म को 5 अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। ये फिल्म 8 बाप्टा अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से 2 अवार्ड्स मिले। स्कॉर्सेसे को बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस फिल्म के लिए मिला था। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे की, जिसका नाम है ह्यूगो। मूवी की कहानी है गारे मॉन्ट पढ़ने से रेलवे स्टेशन पर, जो कि पेरिस में है, और समय है 1930 का। ह्यूगो गारे मॉन्टपार्न्ने से रेलवे स्टेशन के क्लॉक्स के टाइम को मेंटेन करने का काम करता है, और वो वहीं छुपकर रहता भी है। क्लॉक में से हमें ह्यूगो झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वहां से स्टेशन की हर तरफ देख सकता है। वो देखता है कि स्टेशन इंस्पेक्टर गस्टेव, जो कि स्टेशन पर घूमने वाले आवारा या लावारिस बच्चों को पकड़कर आश्रम में भेज देता है। गस्टेव एक फूल बेचने वाली लड़की को चाहता भी है। रेलवे स्टेशन पर एक ओल्ड अंकल एंड आंटी भी हैं, जिनकी लव स्टोरी चल रही है। ह्यूगो क्लॉक मेंटेनेंस का जो काम कर रहा है, वो उसके शराबी अंकल क्लॉट का काम है, जो ह्यूगो को काम समझाकर कहीं गायब हो गए हैं। ह्यूगो की नज़र ज़्यादातर टॉय स्टोर की तरफ होती है। वो अपने क्लॉक से नीचे उतर कर आता है। यहाँ पर जो क्लॉक से नीचे आने वाला जो रास्ता है, जो वे है, वो पूरा देखने लायक का है। ह्यूगो एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक तक आता है, क्योंकि उसे टॉय स्टोर को देखना है। टॉय स्टोर का मालिक है जॉर्ज, जो कि एक टॉय माउस को देख रहा है। उसकी अडॉप्टेड बेटी इसबेल वहाँ आती है। ह्यूगो ये सब एक क्लॉक में से देख रहा है। वो क्लॉक से नीचे उतरता है, स्टेशन पर आता है और दबे पाँव टॉय स्टोर की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि जॉर्ज सो गया है। ह्यूगो दबे पाँव आगे बढ़ता है और माउस उठाना चाहता है कि जॉर्ज उसे पकड़ लेता है। माउस जमीन पर गिर जाता है और अंकल जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जॉर्ज बोलता है, तुम ही वो हो जो मेरे यहाँ से रोज कुछ चुराते हो। आज क्या चुराया है, दिखाओ। ह्यूगो घबराकर अपने पॉकेट में से एक नैपकिन निकालता है। जॉर्ज देखता है कि उसके नैपकिन में टॉय के कुछ मशीनी पार्ट्स हैं। वो कहता है, और भी तुमने कुछ चुराया। ह्यूगो घबरा जाता है और एक नोटबुक निकाल कर देता है। जॉर्ज नोटबुक उठाता है, खोलता है, देखता है और सदमे में आ जाता है। जॉर्ज ह्यूगो को बोलता है, तुमने ये नोटबुक कहाँ से चुराई। ह्यूगो कहता है, मैंने नहीं चुराया, ये मेरी है, मुझे वापस दो। जॉर्ज कहता है, नहीं, यहाँ से भागो। वो स्टेशन इंस्पेक्टर गस्टेव को आवाज देता है। गस्टेव दौड़ता हुआ वहां आता है। ह्यूगो भागता है। गस्टेव का डॉग जो है वो ह्यूगो के पीछे दौड़ रहा है। स्टेशन पे थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है। आखिर ह्यूगो प्लेटफॉर्म के ऊपर के रास्ते से भागने में कामयाब हो जाता है। गस्टेव के ब्रेसेस ट्रेन में फंस जाते हैं और वह ट्रेन के साथ घिसटता हुआ ला जा रहा है। ह्यूगो अपने क्लॉक रूम में है। वो किसी पार्ट को एक कागज के टुकड़े से मिलाकर देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ह्यूगो क्लॉक मशीनरी को चाबी दे रहा है। उसकी नजर बीच बीच में प्लेटफॉर्म पर जाती है। ओल्ड अंकल आंटी से बात करना चाहते हैं, पर आंटी का डॉग ऐसा नहीं होने देता। एज यूजुअल ह्यूगो क्लॉक की एक तरफ से स्टेशन देख रहा है और दूसरी तरफ से उसे पूरा पेरिस दिखाई दे रहा है। रात होती है। अंकल जॉर्ज अपनी टॉय शॉप को क्लोज करते हैं। पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं ह्यूगो खड़ा है। वो कहते हैं, क्या बात है। ह्यूगो बोलता है, मुझे मेरी नोटबुक वापस चाहिए। जॉर्ज बोलता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा, और अपने घर की तरफ चला जाता है। ह्यूगो उसका पीछा करता है। जॉर्ज घर में अंदर जाता है। ह्यूगो रास्ते में ऊपर खड़ा होकर ऊपर देख रहा है। जॉर्ज अपनी वाइफ को नोटबुक के बारे में बताता है। वो चिंतित है। दूसरी विंडो में इसाबेल है। वो ह्यूगो को देखती है। ह्यूगो उसे नीचे आने का इशारा करता है। वो नीचे आती है। ह्यूगो उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। उसे अपनी नोटबुक वापस चाहिए। इसाबेल को ये एडवेंचरस लगता है। वो मदद करने को तैयार हो जाती है।
ह्यूगो वापस अपने क्लॉक में आता है और एक मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर से कपड़ा हटता है, ये एक ऑटोमेटॉन है। ह्यूगो उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो जाता है। वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, उसके पापा एक ऑटोमेटॉन लेकर आए हैं जो कि एक म्यूजियम से मिला है। ऑटोमेटॉन खराब हो गया था। ह्यूगो ऑटोमेटॉन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑटोमेटॉन लवर्स हालत में म्यूजियम के अटिक में पड़ा हुआ था। ये एक म्यूजिक बॉक्स की तरह चाबी से चलता है, लेकिन अभी टूट गया है और इसकी चाबी भी कहीं खो गई है। ह्यूगो चाहता है उसके पापा इसे जल्दी से बनाए। वो इसे चलता हुआ देखना चाहता है। उसके पापा कहते हैं वो शॉप के काम के बाद इसे बनाया करेंगे। ह्यूगो बहुत खुश हो जाता है। एक दिन उसके पापा क्लॉक शॉप में काम कर रहे थे, तभी वहाँ आग लग जाती है और मिस्टर कैबरेट उसमें जलकर मर जाते हैं। ह्यूगो को उसके अंकल क्लॉड, जो कि गारे मॉन्टपार्नेसी रेलवे स्टेशन की क्लॉक को ठीक करने का काम करते थे, उनके साथ आना पड़ता है। उसके अंकल बहुत शराब पीते थे। उन्होंने ह्यूगो को क्लॉक मेंटेनेंस का काम सिखा दिया और अभी काफ़ी लंबे समय से गायब थे। ह्यूगो स्टेशन से क्रोसेंट और मिल्क बॉटल चुराकर अपना पेट भरता था। ये सब उसे गस्टेव की नज़रों से बचकर करना पड़ता था। गस्टेव फूल बेचने वाली लड़की था, लेकिन अपने पैरों के ब्रेसेस के कारण वो थोड़ा शर्माता था। ह्यूगो जॉर्ज के पास जाता है और अपनी नोटबुक के बारे में पूछता है। जॉर्ज ह्यूगो को एक रुमाल देता है, उसमें उसकी नोटबुक की एशेस थी। ह्यूगो रोने लगता है और वहाँ से भागता है। तभी वो इसाबेल से टकरा जाता है। इसाबेल उसे रोने से मना करती है और बताती है तुम्हारी नोटबुक बिल्कुल सही सलामत है, उसे पापा जॉर्ज ने नहीं जलाया है। वो ह्यूगो को स्टेशन लाइब्रेरी में ले जाती है। वहाँ मिस्टर लेबिस हैं जो लाइब्रेरियन हैं, उनसे फोटोग्राफी की बुक मांगती है। इसाबेल को बुक पढ़ने का बहुत शौक है। ह्यूगो उससे पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। इसाबेल कहती है बहुत एडवेंचरस लग रहा है ये सब। इसाबेल ह्यूगो से कहती है तुम पापा जॉर्ज का सामना करो और उनसे बात करो। ह्यूगो जॉर्ज के पास जाता है और उनसे कहता है मैं जानता हूँ आपने मेरी नोटबुक नहीं जलाई है, आप मुझे उसे वापस दे दो। जॉर्ज कुछ सोचता है और उस चूहे को जो ह्यूगो से टूटा था ह्यूगो को देता है और कहता है कि तुम अब इन टूल्स को यूज़ करके इसको ठीक करके बताओ। ह्यूगो उसे ठीक कर देता है। जॉर्ज काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे अपनी शॉप में काम पर रख लेता है। ह्यूगो काम करते करते जॉर्ज की तरफ भी ध्यान देता है। जॉर्ज कार्ड्स का जादू करता है और ह्यूगो को भी सिखाता है। ह्यूगो शॉप पर बैठा हुआ है, एक आवारा बच्चा छुपते हुए वहाँ से जाता है। वह ब्रेड चुराता है और गस्टेव द्वारा पकड़ा जाता है। ये सब ह्यूगो छिप कर देख रहा है। वो देखते हैं उस आवारा बच्चे को गस्टेव ने लॉकअप में बंद किया है और आश्रम की गाड़ी को बुला के भेज दिया है। ये सब ह्यूगो क्लॉक में से छिप कर देख रहा है और डर भी जाता है। ह्यूगो स्टेशन पर वापस आता है और इसाबेल के साथ लाइब्रेरी जहाँ है वहाँ उसे रॉबिन हुड की एक बुक दिखती है। ह्यूगो इसाबेल को बताता है ये मूवी बहुत अच्छी थी। इसाबेल ने कभी भी मूवी नहीं देखी थी, उसे पापा जॉर्ज ने मूवी कभी देखने नहीं दी थी। ह्यूगो उसे मूवी देखने चलने के लिए बोलता है। इसाबेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दोनों मूवी देखने जाते हैं। ह्यूगो जो है वो बैक डोर में चाबी घुसा के एंट्री करवाता है। ह्यूगो को ताला खुलना आता है। वो दोनों मूवी देखते हैं। इसाबेल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तभी सिनेमा का ओनर इन दोनों को देख लेता है और बाहर निकाल देता है। ह्यूगो और इसाबेल स्टेशन की तरफ लौट रहे हैं। ह्यूगो बताता है कि अपने पापा के साथ मूवी देखने जाया करता था। इसाबेल पूछती है तुम कहाँ रहते हो। ह्यूगो बताता है रेलवे स्टेशन पर। इसाबेल को वो बताता है कि मैं अपने अंकल का काम कर रहा हूँ इन घड़ियों को चलाने का, और अंकल क्लाउड जो है वो कहीं चले गए हैं। जब तक घड़ी चलती रहेगी तब तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तभी सामने गस्टेव आ जाता है। ह्यूगो जल्दी से इसाबेल की कैप पहन लेता है। गस्टेव उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। इसाबेल बताती है मैं पापा जॉर्ज के साथ हूँ और ह्यूगो मेरा कज़न है। गस्टेव का डॉग उसे सूंघ रहा है। गस्टेव देखता है लेकिन फिर उन दोनों को छोड़ देता है।
इसाबेल ह्यूगो को बोलती है कि मुझे अपनी रहने की जगह दिखाओ। ह्यूगो नहीं चाहता कि इसाबेल उसके रहने की जगह देखे, वो भागते हैं। इसाबेल भी उसके पीछे दौड़ती हुई जाती है लेकिन भीड़ के कारण गिर जाती है। किसी तरह से उठती है, उसके मुंह से चिल्लाहट निकलती है। सुनकर ह्यूगो पलट कर उसके पास आता है। वो इसाबेल के गले में लटकी हुई चाबी देखता है जो कि गिरने के कारण उसके कपड़े से बाहर दिखने लगी थी। चाबी दिल के आकार की थी। इसी चाबी की तो ह्यूगो को तलाश थी। वो इसाबेल को अपने साथ क्लॉक में अंदर ले जाता है और उसे अपना ऑटोमेटॉन दिखाता है। इसाबेल ऑटोमेटॉन को देख कर अचंभित हो जाती है। ह्यूगो उसमें चाबी लगाते हैं। आश्चर्य, वो चलने लगता है और कुछ ड्राइंग बनाना शुरू हो जाती है। अचानक ऑटोमेटॉन चलना रुक जाता है। ह्यूगो निराश हो जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता था इसमें मेरे पापा का कोई संदेश छिपा है। जब भी ये चलेगा मुझे मेरा संदेश मिल जाएगा। अचानक ही ऑटोमेटॉन फिर से चलने लग जाता है। लगता है मशीनरी काफ़ी दिनों बाद शुरू हुई थी, कहीं अटक गई होगी और एकदम से चलने लगी। ऑटोमेटॉन एक ड्राइंग बनाता है, चांद का चेहरा और उसकी आँख में रॉकेट। नीचे साइन करता है, लिखता है जॉर्ज मेलियस। इसाबेल चौंक जाती है, कहती है ये तो पापा जॉर्ज का नाम है। तुम्हारे पापा और पापा जॉर्ज में क्या कनेक्शन हो सकता है? वे दोनों पापा जॉर्ज के यहाँ जाते हैं। वहाँ ह्यूगो की मुलाकात इसाबेल मामा जीनी से करवाती है। ह्यूगो ने पेपर पर बनी ड्राइंग दिखाता है और उसका मतलब पूछता है। मामा जीनी पूछती है, ये ड्राइंग तुम्हें कहाँ मिली? ह्यूगो बताता है कि इसे एक मशीनी मानव ने बताया। मामा जीनी डर जाती है, बोलती है अरे वो तुम्हारे पास है, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना। वो दरवाज़ा खोलती है उन्हें बाहर निकालने को, लेकिन देखती है कि जॉर्ज घर वापस आ रहा है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। इसाबेल और ह्यूगो एक कमरे में बंद हैं। कमरे में एक बड़ी सी अलमारी है। इसाबेल और ह्यूगो उसकी तलाशी लेते हैं। उन्हें लगता है पापा जॉर्ज और मामा जिनी को छिपा रहे हैं, जो शायद हमें मिल जाएगा। ह्यूगो की नज़र अलमारी के ऊपर जाती है, उसे लगता है वहाँ भी कोई ड्रॉज है। इसाबेल चढ़ती है, ड्रॉज का पल्ला हटाती है और एक बॉक्स निकालती है। तभी वो गिर जाती है और बॉक्स भी गिर जाता है। बॉक्स गिरते गिरते खुल जाते हैं। उसमें से पेपर्स बाहर निकल के उड़ने लग जाते हैं, जिसमें से एक पेपर पर वही ड्राइंग बनी थी, चांद और चांद की आंखों में रॉकेट। जॉर्ज दरवाज़ा खोलता है, जिनी भी साथ में ही है। वो ड्राइंग्स दिखता है, उन्हें फाड़ने लगता है, रोने लगता है। ह्यूगो से कहता है, तुम बहुत गंदे हो, बहुत जालिम हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉर्ज बहुत ज़्यादा दुखी है। ह्यूगो ये सब देखकर सहम जाता है, रुआसा हो जाता है और वापस रेलवे स्टेशन लौटता है। वहाँ वो लैबिस से टकरा जाता है। उनके हाथों से कुछ बुक्स गिर जाती है। ह्यूगो बुक्स उठाते हैं, उसमें रॉबिन हुड की बुक भी है। लैबिस उस बुक को लिए ह्यूगो को प्यार से देखता है और वो बुक ह्यूगो को दे देता है। उसने ये बुक अपने पोते के लिए रख रखी थी। स्टेशन पर गस्टेव लड़की को देख रहा है। आंटी उससे बोलती है, तुम उसे बताते क्यों नहीं, जाओ उससे बात करो। गस्टेव उसकी तरफ जाता है और फूलों की तारीफ करता है, पर वह अपने पैरों की ओर देखता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। गस्टेव के कॉलर में फूल लगा देती है, यानी इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो गई है। इसाबेल और ह्यूगो लाइब्रेरी में आते हैं और फिल्म एकेडमी सेक्शन में आते हैं। वहाँ वो फिल्म हिस्ट्री की बुक निकालते हैं जिसे रेने टबार्ड ने लिखा था। वो दोनों बुक पढ़ते हैं। ऐसा लगता है सिनेमा उनकी आंखों के आगे जीवंत हो गया। वो जॉर्ज मेलियस के पेज पर आकर रुकते हैं। वहाँ लिखा था जॉर्ज महायुद्ध में मारे जा चुके हैं। तभी पीछे से एक आदमी पूछता है, तुम्हें मेलियस में दिलचस्पी है? दोनों चौंक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। इसाबेल ह्यूगो को बताती है, ये तो उसी बुक का राइटर है जिसे हम दोनों पढ़ रहे हैं, यानी वो रेने टैबर्ट था। रेने पूछता है, क्या तुम्हें मेलियस पसंद है? वो दोनों बोलते हैं, मेलियस जिंदा है। इसाबेल बताती है, वो उसके गॉडफादर हैं। रेने को यकीन नहीं होता। वो उन दोनों को अपने घर लेकर आता है और बताता है कि जॉर्ज बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे। वह इन दोनों को जॉर्ज की कई चीज़ें दिखाता है। इसाबेल रेने से पूछती है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? रेने बताता है, वो एक बार उनसे मिल चुका है। वो अपने बचपन की यादें बच्चों के साथ शेयर करता है। रेने का भाई जो है वो फिल्म स्टूडियो में कारपेंटर का काम करता था। एक बार रेने उनके साथ स्टूडियो गया था। उसने देखा एक कांच का बहुत बड़ा महल के समान स्टूडियो बना हुआ है, उसके अंदर शूटिंग चल रही है। ये बिल्कुल सपनों के सच होने के समान था। तभी उसकी जॉर्ज से मुलाकात हुई थी। रेने ने बच्चों को बताया कि जॉर्ज ने 500 से ज़्यादा फिल्म बनाई थी, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी फिल्म पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि मेरे पास बस एक ही फिल्म है जो कि मैंने बहुत मुश्किल से पाई है
और ये फिल्म उनका एक मास्टरपीस है। इसाबेल और ह्यूगो क्लॉक में अंदर हैं और ह्यूगो क्लॉक की मेंटेनेंस कर रहे हैं। दोनों बात कर रहे हैं कि पापा जॉर्ज को बताना चाहिए कि उन्हें अभी भी लोग याद करते हैं। ह्यूगो सोचते हैं ये दुनिया एक बहुत बड़ी मशीन है और हम इसके पार्ट्स हैं और हमारी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह है। वो सोचते हैं जॉर्ज अंकल ने अपना काम अपनी पसंद का काम करना छोड़ दिया है, शायद इसीलिए वो टूट से गए हैं। टॉय स्टोर में उनका मन नहीं लगता है, टॉय स्टोर उनकी जगह नहीं है। तभी क्लॉक मशीन का नट टाइट करते हुए ह्यूगो का पाना नीचे गिर जाता है। गस्टिव उसे उठाता है। गस्टिव सोचता है क्लाउड उसे नशे में गिरा देता है। वो क्लाउड को बहुत भला बुरा कहता है। ह्यूगो इसाबेल को बोलता है मैं कल रेने को लेके 7 बजे तुम्हारे घर आऊँगा और ये एक सरप्राइज रहना चाहिए, तुम इसे किसी को नहीं बताना। ह्यूगो अपने बेड में सोने जाता है, उसकी नज़र क्लॉक पर है। वो सपने में देखता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और उसे पटरी पर दिल के आकार की चाबी दिखती है। वो उसे लेने पटरी पर उतरता है, तभी जोरों से ट्रेन आती है। ट्रेन ड्राइवर बच्चे को पटरी के ऊपर देखकर घबरा जाता है और वह ट्रेन को पटरी प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाती है। ह्यूगो का एक दूसरा सपना भी आता है। वो पूरी तरह से ऑटोमेटॉन बन गया है, स्टेशन की घड़ियों के कलपुर्जों के बीच में फंस गया है। पुलिस को क्लाउड की डेड बॉडी मिलती है। वो गस्टेव को फोन पर बताते हैं। गस्टेव ये सुनकर हैरान है कि स्टेशन की क्लॉक्स को चलाने का काम आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि पुलिस की बातों से लग रहा था कि क्लाउड को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। 7 बजे हैं। ह्यूगो रेनी के साथ जॉर्ज के घर जाता है। मामा जिनी कुछ समझ नहीं पाती, पर रेने उन्हें देख के पहचान जाते हैं। आप तो मिस्टर जॉर्ज की हर पिक्चर में हैं और आप तो बहुत बेहतरीन अदाकार हैं। जिनी ये सुनकर बहुत खुश होती है। रेने उन्हें पिक्चर दिखाना चाहते हैं। दोनों बच्चे भी काफ़ी इंसिस्ट करते हैं। आखिर मामा जी ने मान जाती है। रेने प्रोजेक्टर सेट करता है, वो फिल्म रील लगाता है और मूवी शुरू होती है। जिनी फिल्म में दिखाई दे रही है। बच्चे उसे देख के बहुत खुश होते हैं। जिनी भी काफ़ी भावुक हो जाती है। बीच बीच में मामा जेन की नज़र दरवाजे की ओर उठ रही है। वह डर रही है कि जॉर्ज कहीं उठ ना जाए। इसाबेल जिनी को बोलती है बहुत सुंदर थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो अभी भी है। सब दरवाजे की ओर देखते हैं, वहाँ जॉर्ज खड़ा है। वो बोलता है कि प्रोजेक्टर की आवाज़ तो मैं कहीं से भी पहचान लेता हूँ। वो अंदर आता है, बैठ जाता है। इसाबेल और जिनी उसके बाजू में बैठते हैं। जॉर्ज ह्यूगो से बोलता है तुम जानना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जॉर्ज बताना शुरू करता है, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर था, मुझे मशीनों में दिलचस्पी थी। मैं एक ऑटोमेटॉन भी बना रहा था। एक दिन मैं जिनी के साथ ट्रैवलिंग सर्कस देखने गया। वहाँ मैंने फिल्म पहली बार देखी और मुझे बहुत ही अच्छा फिल्म लगा। मुझे जादू के समान लगी। मैंने लूनियर ब्रदर को कैमरा बेचने कहा पर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने ऑटोमेटॉन के बचे हुए पार्ट से अपना खुद का कैमरा बनाया। स्टूडियो बनाया और मैं वहाँ अपने सपनों को पूरा करने लगा। मेरी फिल्में जादू के समान थी। जो भी मैं सोचता था उसकी ड्राइंग बनाता था और उसी को पर्दे पर उतार देता था। सब कुछ एक ख्वाब के समान था। मैजिक ट्रिक्स और इल्यूशन मेरी पहचान बन गए थे। मैं उन्हें बनाता था और उनसे काम भी किया करता था। तभी वर्ल्ड वॉर हुआ, लोगों ने फिल्म देखनी बंद कर दी। वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की रुचि फिल्मों में नहीं रही। मेरे पास आर्टिस्ट और स्टूडियो चलाने के लिए पैसे भी नहीं रहे। मैंने अपना सब सामान उठाकर जला दिया। कोई भी फिल्मों के बारे में बात नहीं करता था। मैंने अपनी सब फिल्में एक फैक्ट्री को बेच दी जहां उन्हें पिघलाकर जूतों की हील बनाई गई। ऑटोमेटॉन म्यूजियम को दे दिया लेकिन वो म्यूजियम में मुझे कभी नहीं दिखा। फिर मैंने बचे हुए पैसों से टॉय स्टोर खोल लिया और तब से यही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी से सबक सीखा कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में होती है। ह्यूगो कुछ सोचता है और वहाँ से भागता है अपने स्टेशन की तरफ। स्टेशन पर जो अंकल हैं वो सेम ब्रीड का डॉग लाते हैं जो कि आंटी के पास है। दोनों डॉग एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं। फाइनली अंकल को मौका मिलता है आंटी से बात करने का। तभी वहाँ गस्टेव आता है। वो बताता है कि क्लाउड की लाश मिली है, वो कई महीनों से मरा पड़ा है। ह्यूगो ये सब छुपकर सुन रहा है। तभी वहाँ दोनों डॉग आके उसे सूंघते हैं। ह्यूगो को गस्टेव पकड़ लेता है, उसे लॉकअप में बंद करता है और आश्रम वालों को उसे ले जाने के लिए कॉल करता है। उसी वक्त गस्टेव का एक और कॉल आता है। वो बात करने में व्यस्त हो जाता है।
जैसे ही वो मुड़ता है, ह्यूगो उसका फ़ायदा उठाकर अपने पास के एक पार्ट से ताला खोलकर भाग जाता है। गस्टेव देखता और अपने कुत्ते के साथ उसके पीछे भागता है। ह्यूगो क्लॉक में अंदर वाले रास्ते में भागता है, गस्टेव उसके पीछे भागता हुआ ऊपर आता है। ह्यूगो ऊपर आकर फंस जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गया। वो क्लॉक का एक डोर खोलता है और क्लॉक के एक कांटे पर लटक जाता है। फिल्म में ये सीन वाकई बहुत ज़्यादा देखने लायक है और इसे देख के सांसें रुक जाती है। ह्यूगो का लटकना और गस्टेव का और कुत्ते का उसे ढूंढना। गस्टेव को ह्यूगो नहीं मिलता, वो वापस लौट जाता है। ह्यूगो थोड़ी देर वहीं बाहर बैठ जाता है। यहाँ से पूरा पेरिस बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ह्यूगो अंदर आता है और ऑटोमेटन को उठाता है, तेजी से भागता है। वो इसे लेकर जॉर्ज के पास जा रहा है, तभी उसे गस्टेव पकड़ लेता है और ह्यूगो के हाथों से ऑटोमेटन छूटकर पटरी पर गिर जाता है। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन ड्राइवर पटरी पर बच्ची को देख के घबरा जाता है। ट्रेन के आने से पहले ही गस्टेव ह्यूगो को ऊपर खींच लेता है। ह्यूगो कसमसाता है, वो जाना नहीं चाहता। तभी जॉर्ज वहाँ आ जाता है। वो गस्टेव से बोलता है, इसे छोड़ दो, ये मेरे साथ है। गस्टेव कन्फ्यूज है। वो कभी लिसाटे की तरफ दिखता है, लिसाटे की नज़रों को देख के गस्टेव उसे छोड़ देता है। जॉर्ज को बोलता है, ये टूट गया है। जॉर्ज बोलता है, नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया है, तुमने इसे बना दिया है। थिएटर का सीन है, रेने जॉर्ज को ट्रिब्यूट दे रहा है। किसी तरह से सिनेमा प्रेमियों के पुराने कलेक्शन से उसे 80 के करीब मेलियस की मूवी हासिल हो जाती है। जॉर्ज कहता है, ये एक ऐसा जादूगर है जिसने एक टूटी हुई मशीन को फिर से ठीक कर दिया। वो अपने और ह्यूगो की बात कर रहा है। जॉर्ज बहुत ज़्यादा खुश है। थिएटर पर शो शुरू होता है और मेलियस की सारी पुरानी फिल्मों को दिखाया जाता है। जॉर्ज घर पर पार्टी चल रही है। लिसेटे, एमिली, फ्रेग, गस्टेव सभी वहाँ हैं। ह्यूगो सबको अपना जादू दिखा रहा है। इसाबेल बुक लिख रही है, ये वही बुक है जिसकी फिल्म आप देख रहे हैं, ह्यूगो द इन्वेंशंस ऑफ ह्यूगो कार्बेट। अंदर कमरे में ऑटोमेटन रखा हुआ है। ये कहानी एक ऐसे डायरेक्टर की है जिसको जो फिल्मों से जिसका बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन जैसे फिल्में उसके हाथ से निकल गई, यानी उसका मनपसंद काम उसके हाथ से निकल गया, तो वो उदास हो गया था। उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपने काम पे जाता, घर आता, मतलब वो एक मशीनी मानव टाइप का बन गया था। अब क्या हुआ, जब एक बच्चे ने, ह्यूगो ने, उसकी पसंद की चीज़ उसको वापस दिला दी जिससे उसको प्यार था, जो उसकी आत्मा को जगा सकता था, तब वो कितना खुश हुआ। यही कहानी है ह्यूगो की। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।